पश्चिम बंगाल में 6 दिन से जारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, राज्य सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों की मांगे मानी। ममता बनर्जी ने अस्पतालों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाने और हर अस्पताल में पुलिस ऑफिसर तैनात करने के डॉक्टरों के प्रस्ताव को स्वीकारा, डॉक्टरों ने संतुष्टि जताई। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, जेपी नड्डा को बनाया गया पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष। 17वीं लोकसभा के पहले दिन पीएम मोदी, सोनिया गांधी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने शपथ ली। 17वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी की विपक्ष से अपील, कहा सदन की कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी निभाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौतों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को काले झंडे दिखाए गए, सीएम नीतीश कुमार मौतों पर खामोश। बिहार में जानलेवा लू का कहर, लू के थपेड़ों ने राज्य के अलग अलग जिलों में 100 से ज्यादा लोगों की जान ली, राजधानी पटना में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। और स्विस बैंकों में कालाधन रखने वाले 50 भारतीय कारोबारियों के नाम सामने आए, स्विस अथॉरिटी ने नोटिस भेजकर 30 दिन में जवाब मांगा।